आप सभी का मेरे इस चैनल नो योर लीगल राइट्स पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट एससी कानोजिया। आज हम बात करेंगे बिल्डर डेवलपर कभी आपसे मेंटेनेंस ले सकते हैं और कब नहीं ले सकते। दोस्तों, घर खरीदना एक सहज बात नहीं है। घर खरीदने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और जिंदगी में एक ही बार घर खरीदा जाता है। तो जो घर खरीदने के समय आपको कुछ बारीकी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि बिल्डर की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, वो कब आपको पोजीशन देने वाले हैं, वो कितने का है, और पोजीशन नहीं देंगे तो आप उनके खिलाफ क्या कर सकते हैं। दोस्तों, अभी तक अगर इस चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आइकॉन बेल दबा दीजिए, ताकि इसी तरह की लीगल वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। तो दोस्तों, क्या होता है कि हम घर खरीद लेते हैं और फ्लैट खरीद लेते हैं और हम ये छोटी छोटी जो बारीकियां हैं उन पे ध्यान नहीं देते। जब समय आता है पोजीशन देने का आपको, तब उस समय बिल्डर पोजीशन देने से आनाकानी करते हैं और बिल्डर जो है वो समय पर बिल्डिंग को कंप्लीट नहीं करते हैं, पूरा नहीं करते हैं। और जब आप पोजीशन लेने जाते हैं तो आपको सीधा इनकार कर देते हैं कि पोजीशन अभी नहीं मिलेगा क्योंकि बिल्डिंग अभी कंप्लीट नहीं है। लेकिन अब वो बिल्डिंग क्यों नहीं कंप्लीट है, किस लिए नहीं कंप्लीट है, ये आपको नहीं बताते हैं। तो उसका क्या रीजन है बिल्डिंग नहीं कंप्लीट हुई, क्योंकि यही बिल्डर ने आपको साल भर का समय दिया था या दो साल का जो समय दिया था, उस दो साल में उस बिल्डर ने क्यों बिल्डिंग कंप्लीट नहीं कर पाई और कंप्लीट करके आपको पोजीशन क्यों नहीं दे पाया, ये सारी चीजें नहीं बताते हैं और आपको कहते हैं कि भाई ये अभी हम पोजीशन नहीं दे पाएंगे। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आप क्या करेंगे ऐसे में? देखिए, यदि बिल्डिंग कंप्लीट भी नहीं होती है और आपने पूरे पैसे दे दिए, यानी आपका जो स्लैब वाइज पैसा था वो, और लास्ट में जो पोजीशन देने के टाइम पे आपको लास्ट इंस्टॉलमेंट देना पड़ता है, जिसमें एक साल या दो साल का जो मेंटेनेंस भी इंक्लूड होता है वो भी आप दे चुके होते हैं, लेकिन बिल्डर फिर भी आपको पोजीशन नहीं देता, तो इस वक्त ऐसे में आप जब उससे पोजीशन मांगते हैं तो वो ये कहता है कि भाई पहले जो है आप मेंटेनेंस दीजिए बिल्डिंग का, जो है मेंटेनेंस दीजिए, जैसे कि वॉचमैन है, वाटर है, बिल्डिंग की देखरेख करनी है, फ्लैट का देखरेख करना है, तो ये सारी चीजों का जो होता है वो मेंटेनेंस होता है, वो देना है आपको, क्योंकि वो देना पड़ता है। वो सही चीज नहीं बताता आपको कि क्यों देना है, लेकिन वो आपको देना है। दोस्तों, ऐसा नहीं है। हालांकि जब तक बिल्डर आपको आपका फ्लैट जो आपने खरीदा है उसे हैंडओवर नहीं कर देता, फिजिकली हैंडओवर नहीं कर देता, आपको चाबी नहीं दे देता, तब तक आपको मेंटेनेंस देने की उसे जरूरत नहीं है। और अगर इस चीज पे वो जबरदस्ती करता है कि नहीं तुम्हें देना पड़ेगा तभी हम पोजीशन देंगे, तो ऐसे में आप जो है उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेन कर सकते हैं और उसके बाद आप कंज्यूमर कोर्ट में भी जा सकते हैं कि हमने ये फ्लैट इस साल में खरीदा था और अभी तक हमें फ्लैट जो है हैंडओवर नहीं किया गया, उसका फिजिकल पोजीशन नहीं दिया गया, और उसके बजाय बिल्डर जो है हमसे मेंटेनेंस मांग रहा है, तो आप जो है कंज्यूमर में इसकी तकरार दाखिल कर सकते हैं। दोस्तों, यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर लिखिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आइकॉन बेल दबाना न भूलें, क्योंकि हर इसी तरह लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे।